दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। ये फिल्म कहाँ पर अवेलेबल है, इसे आप कहाँ देख सकते हैं, इसका अनरेटेड वर्जन कहाँ पर है, या अगर फैमिली के साथ में देखना है तो इसका कट किया हुआ वर्जन कहाँ पर अवेलेबल है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो आप आखिर तक पूरा ज़रूर देखना, बहुत महत्वपूर्ण ये फिल्म है। देखिए, आज तक आपने जो कुछ भी ऐतिहासिक फिल्में देखी होंगी, हिस्टोरिकल ड्रामाज आपने देखे होंगे भारत के बाहर के, उन सब में आपने ज़्यादातर झूठा लिपापोती वाला एक शुगर कोटेड इतिहास देखा होगा। क्योंकि पिछले 2000 वर्षों में जिस निर्ममता से दुनिया की सारी प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट किया गया है, उस सच्चाई को दिखाने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया है। क्योंकि उन सभ्यताओं को मानने वाला आज कोई बचा नहीं है, उन सभ्यताओं का पालन करने वाला आज कोई बचा नहीं है, इसलिए उन सभ्यताओं को कैसे नष्ट किया गया वो दिखाने में किसी की भी रुचि नहीं है। हाँ, इस पिछले 2000 वर्षों के इतिहास पर बहुत सारी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, पर पुस्तकें लिखकर पब्लिश करना उतना कुछ कठिन होता नहीं है। पर अगर उस विषय पर कोई फिल्म बनानी हो तो उसके लिए ढेर सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, और जिन लोगों के हाथ में ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमेशा से रही है, उन लोगों ने कभी भी ये इतिहास सामने लाने में रुचि नहीं दिखाई है। पर आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसी एक्सेप्शनल फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें ये सच्चाई दिखाने का साहस किया गया है। चौथी शताब्दी के रोमन साम्राज्य के इजिप्ट प्रांत में रहने वाली एक फीमेल फिलोसोफर और एस्ट्रोनॉमर, यानी एक महिला दार्शनिक और खगोलविद या खगोल शास्त्री जिसका नाम हाइपेशिया था, उसके जीवन के इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी घूमती है। अभी जो चौथी शताब्दी का समय था, उस समय रोमन साम्राज्य के इस इजिप्ट प्रांत में क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। इस वजह से ये जो हाइपेशिया थी, उसका जो दूरदृष्टिकोण था, जो खगोल शास्त्र पर उसकी खोज थी, या जो उसके दार्शनिक विचार थे, उस वजह से इस हाइपेशिया को विच घोषित कर दिया गया था, और उसके बाद में उसे नग्न करके उसे पत्थरों से कुचल कर मार दिया गया था। तो इसी ये जो इतिहास की घटना है, इस पर ये फिल्म आधारित है। उस समय की समाज की स्थिति, किस प्रकार से कन्वर्जन वगैरह किया गया था, ये सब कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है। अब ये जो हाइपेशिया थी, वो पैगन समुदाय से थी, जिसे हेलेनिस्टिक रिलीजन भी कहा जाता है। अब ये जो हेलेनिस्टिक रिलीजन था या पैगन सभ्यता थी, वो बहुत ज़्यादा प्राचीन और विकसित थी। एक गांव की जितनी तो केवल उनकी लाइब्रेरी थी, यानी उस लाइब्रेरी में पूरा का पूरे गांव समा सकता है, इतनी बड़ी उनकी लाइब्रेरी थी। और उस लाइब्रेरी में हजारों हजारों हस्तलिखित पुस्तकें थी। उस समय तक उन्होंने जो कुछ भी गणित पर, खगोल शास्त्र पर खोज की हुई थी, उस पर आधारित वे सारी पुस्तकें थी। इसके अलावा गुरुकुल जैसे कई सारे वहाँ पर स्कूल्स थे जिनमें महिला शिक्षक तक पढ़ाती थी, यानी एक नारी प्रधान संस्कृति हम उसको कह सकते हैं। तो ये जो हाइपेशिया थी, वो भी इसी प्रकार से एक महिला शिक्षक थी, वो भी खगोल शास्त्र पर, गणित पर वगैरह उस समय खोज कर रही थी। अब इसके बाद में जब चौथी शताब्दी में वहाँ पर क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बढ़ने लग गया, इसके बाद में ढोंग से, पाखंड से, लालच से पैसे वगैरह बांट कर, या कुछ खाने पीने की वस्तुएं वगैरह बांट कर सेवा की आड़ में वहाँ पर कन्वर्जन शुरू हो गया, और ये जो धर्मांतरण करने वाले थे, जिन्हें आप मिशनरीज कहिए या जो भी कहिए, वे जो पैगन सभ्यता के जो धर्म गुरु वगैरह थे उनको जिंदा जलाते थे, या वहाँ की जो पैगन सभ्यता की जो देवताओं की मूर्तियाँ वगैरह थी उनको तोड़ा जा रहा था। और इसके बाद में फिर ये जो पैगन सभ्यता थी, वो अपने इस कल्चर को, अपने सभ्यता को रक्षा करने का वे वहाँ पर प्रयत्न कर रहे थे। उनकी सभ्यता को नष्ट करके सबको वे जब कन्वर्ट करने लग गए, तो उसके बाद में पैगन्स ने भी क्रिश्चियंस पर हमला बोल दिया। पर पैगन्स को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कितने सारे लोगों का कन्वर्जन हो चुका है, इसलिए जब पैगन्स ने क्रिश्चियंस पर हमला बोला तो एक बहुत बड़े क्रिश्चियन मॉब ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, और इसके बाद में फिर ये जो पैगन्स थे वे जान बचाकर पीछे भागे, और उनकी जो लाइब्रेरी थी उसका दरवाज़ा बंद करके वे अंदर छुप गए। इसके बाद में फिर जो ये पूरे जो चारों तरफ से क्रिश्चियंस ने इस लाइब्रेरी को घेर लिया था, और फिर उन्होंने उस लाइब्रेरी के दरवाजे को तोड़कर अंदर की जितनी भी हजारों हजारों किताबें थी, उन जो भी हस्तलिखित पुस्तकें वगैरह थी, उनको इकट्ठा करके उन सबको जला दिया। जो भी वहाँ की अंदर की मूर्तियाँ वगैरह थी, उस पूरी लाइब्रेरी को उन्होंने तहस नहस कर दिया। आज भी उस लाइब्रेरी के जो खंडहर है, अवशेष है, वे आज भी देखने को मिलते हैं। यानी कुल मिलाकर पैगन्स की सभ्यता की हर पहचान को उन्होंने नष्ट कर दिया था। अब जो कुछ बचे कुचे पैगन्स थे जो उस लाइब्रेरी से भाग निकले थे, वे भी बाद में कन्वर्ट हो गए। अब जो हाइपेशिया है, उसने अपना सूर्य और पृथ्वी पर अभ्यास जारी रखा। उसने बाद में बताया कि पृथ्वी गोल है और वो सूर्य की और सूर्य उसकी परिक्रमा नहीं करता, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये जब बातें उसने वहाँ पर बताई तो क्रिश्चियंस ने उसका विरोध किया, और जिस प्रकार से गैलीलियो और कोपरनिकस को बस पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करती ही कहने की वजह से गैलीलियो और कोपरनिकस को मारा गया था, उसी प्रकार से हाइपेशिया का भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। उसका स्कूल में पढ़ाना उन्होंने बंद कर दिया, हर प्रकार के बंधन उस पर लगाए गए, और उसके बाद में उसे कहा गया कि तुम कन्वर्ट हो जाओ क्रिश्चियनिटी में, और
ये जो कुछ भी तुम्हारा अभ्यास वगैरह है या खगोल शास्त्र के या दार्शनिक तुम्हारे जो विचार वगैरह है ये सब कुछ तुम छोड़ दो, कन्वर्ट हो जाओ। पर हाइपेशिया ने मना कर दिया। उसके बाद में जो पश्चिमी सभ्यता की विच हंटिंग की परंपरा है उसके अनुसार उन्होंने हाइपेशिया को नग्न करके पत्थरों से कुचल कुचल कर मार दिया था, उसे विच घोषित करके उसकी हत्या कर दी गई थी बहुत ज़्यादा निर्ममता से। अब हाइपेशिया को मारने के लिए जिस बिल्डिंग में उसे ले जाया गया था उस बिल्डिंग का नाम था कैसेरियन, जो पहले पैगन्स का एक बहुत ज़्यादा पवित्र मंदिर था, पर बाद में उसे क्रिश्चियन चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया था। और उसी जगह पर फिर जो हाइपेशिया है उसकी इतनी निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। पर हत्या करने के बाद भी वो रुके नहीं, उसके जो आई बॉल्स थे, आंखों की पुतलियाँ वगैरह थी, उन्हें निकाल दिया गया था। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और उन टुकड़ों को शहर से घसीटते हुए शहर के बाहर जाकर उन्होंने फेंक दिया था, ताकि वो जो उस शहर का जो होली प्लेस वगैरह वो बना रहे। तो फिल्म में केवल पत्थरों से कुचल कर मारने तक का ही सीन दिखाया गया है। उसके बाद जो उसके शरीर के टुकड़े करने वाली बात है वो मैंने विकिपीडिया पर और गूगल पर पढ़ी, पर फिल्म में उसे नग्न करके जो पत्थर से कुचला जाता है वहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अब देखिए, हाइपेशिया को जिस प्रकार से मारा गया था ये कोई एक्सेप्शनल घटना नहीं है, कोई अपवादात्मक घटना नहीं है। जो भी कन्वर्ट होने से मना करते थे या जो उनकी मान्यताओं का विरोध करते थे उनकी इसी प्रकार से हत्या कर दी जाती थी। उन्हें हेरेटिक्स कहा जाता है, यानी जो चर्च की मान्यताओं में विश्वास नहीं करते उन्हें हेरेटिक्स कहा जाता है और उन्हें मृत्युदंड की शिक्षा सजा दी जाती है। अब देखिए, अभी जो द ओल्ड गार्ड नाम की जो मूवी आई, वो द ओल्ड गार्ड्स नाम की नेटफ्लिक्स पर फिल्म आई है, नहीं सुपर हीरो फिल्म है, उसमें भी ये पूरा इतिहास दिखाया गया है विच हंटिंग का, या हेरेटिक्स कहकर किस प्रकार से मार दिया जाता था लोगों को। ये सारा इतिहास संक्षेप में द ओल्ड गार्ड्स में भी ये इतिहास दिखाया गया है। और अगर आप भारत का इतिहास देखेंगे, गोवा इंक्विजिशन का, तो 250 वर्षों तक, कोई 1, 2 या 20, 25 या 50 वर्षों तक नहीं, 250 वर्षों तक पुर्तगीजों ने गोवा में ये इंक्विजिशन का कानून लागू किया था। इंक्विजिशन का मतलब होता है एक रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा बनाया गया ऐसा संगठन जो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो चर्च की मान्यताओं में विश्वास नहीं करते, और उनको ढूंढकर फिर उन्हें मृत्युदंड की शिक्षा दी जाती है। तो ये इंक्विजिशन गोवा में 250 वर्षों तक लागू किया गया था। और कई जो धर्मांतरण करने से मना कर देते थे उन्हें जिंदा जलाकर, ऐसे अनगिनत हिंदुओं को जिंदा जलाकर उन्हें मृत्युदंड की शिक्षा दी गई थी। आज भी गोवा में एक हथकतरों खांब है। ये पूरा इतिहास मैंने गोवाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में, उनके निरीक्षण में, उसका मैंने रिव्यू किया हुआ है। वहां पर मैंने ये पूरा इतिहास बताया है। प्लीज वो वीडियो आप जरूर देखिए। चलिए फिर से अगोरा फिल्म के बारे में बात करते हैं। अभी जो मैंने हाइपेशिया की हत्या की बात बताई वो बिल्कुल फिल्म का एंडिंग है। उसके पहले क्रिश्चियंस और ज्यूज के बीच में कई सारी हिंसक लड़ाइयाँ हुई थी, वो भी फिल्म में दिखाया गया है, जिन लड़ाइयों में यहूदियों का ज्यूज का नरसंहार हो गया था, किस प्रकार से यहूदी महिलाओं के साथ अनगिनत अमानवीय अत्याचार हुए थे, रस्तों पर पड़ी हुई कटी हुए सर, उनकी खून से लथपथ शरीर, महिलाओं पर होते अत्याचार, ये सब कुछ फिल्म में वहां पर दिखाया गया है। पर देखिए, पैगन्स की सभ्यता को नष्ट करने के लिए पहले ज्यूज ने क्रिश्चियंस का साथ दिया था, पर बाद में ज्यूज का ही नरसंहार हो गया था। दोस्तों, पैगन्स की सभ्यता को जिस प्रकार से नष्ट किया गया, बिल्कुल उसी प्रकार से पिछले 2000 वर्षों में दुनिया की जितनी भी महान प्राचीन सभ्यताएं थी उन सबको भी बिल्कुल इसी प्रकार से नष्ट किया गया है। जैसे कि मिस्र या ग्रीस या रोमन साम्राज्य, जिसे हम पैगन्स भी कह सकते हैं, या फिर माया सिविलाइजेशन या इनका साम्राज्य, या फिर एस्टेक साम्राज्य, ये तो जो कुछ हमें थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेड सिविलाइजेशंस पता है उनके नाम मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी संस्कृतियाँ, सभ्यताएँ, जिनको उनको इसी प्रकार से पिछले 2000 वर्षों में नष्ट किया गया है। इन सारी सभ्यताओं को नेचुरलिस्टिक रिलीजन्स कहा जाता है, क्योंकि वे पर्यावरण की, नेचर की पूजा करते थे। जैसे कि सूर्य देवता की पूजा का वर्णन दुनिया की लगभग सारी सभ्यताओं में हमें मिलता है। सबसे प्राचीन वैदिक संस्कृति में सूर्य देवता की पूजा का वर्णन मिलता है, दुनिया की और भी कई सारी सभ्यताओं में इसका वर्णन मिलता है। तो ये सारे नेचुरलिस्टिक रिलीजन्स थे जो पिछले 2000 वर्षों में नष्ट हो गए। फिर 2000 वर्ष पूर्व प्रोफेटिक रिलीजन्स की शुरुआत हुई, जिन्हें अब्राहमिक रिलीजन्स भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद में पिछले 2000 वर्षों में ये जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी वे सारे नष्ट हो गई। पर दोस्तों, इस पूरे विश्व में एक सभ्यता ऐसी भी है जिस पर पिछले 1000 वर्षों में अनेकों अनेकों आक्रमण हुए। इसी प्रकार से उनकी भी सभ्यता को नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी उस संस्कृति का अस्तित्व आज भी बचा हुआ है, और वह संस्कृति है हमारी भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति। एक और सभ्यता बची हुई है, पारसी। 6ठी शताब्दी में जब मुस्लिम्स के द्वारा ईरान पर, पर्शिया पर आक्रमण किया गया था, उसके बाद में जो पारसी समुदाय है वे भारत में आए शरण लेने के लिए, और वे तब से भारत में ही रह रहे हैं। भारत के विकास में हर प्रकार से उन्होंने योगदान दिया है। आज पूरे विश्व में केवल 1 लाख ही पारसी जनसंख्या है, और उनमें से भी ज़्यादातर भारत में ही रहते हैं।
तो ऐसी ये इतनी जो महान हमारी भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति है, इस पर पिछले 1000 वर्षों से अनेकों अनेकों आक्रमण हुए। मुगल, तुर्की, अफगान, डच, पुर्तगीज, ब्रिटिश, ऐसे अनेकों अनेकों विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर हत्या, लूट, बलात्कार किए। हमारी लाखों लाखों सांस्कृतिक धरोहरों को, मंदिरों को उन्होंने नष्ट किया, तोड़ा। नालंदा जैसी कई सारी विश्वविद्यालयों को उन्होंने तोड़ा। उन हमारी लाइब्रेरीज को, जो वहाँ के हमारा जो ज्ञान का भंडार था, उसे जलाकर उन्होंने खाक कर दिया। 7 लाख गुरुकुलों को हमारे उन्होंने नष्ट कर दिया। पर फिर भी, इतने सारे आक्रमणों के बाद भी हमारी संस्कृति का अस्तित्व क्यों बचा हुआ है, आपको पता है दोस्तों? क्योंकि हमने पैगंस की तरह या दुनिया की जितनी भी दूसरी सभ्यताएं हैं उनकी तरह हमने कभी हार नहीं मानी। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवाया पर धर्म नहीं छोड़ा। धर्मवीर संभाजी महाराज जी को 40 दिनों तक अनगिनत यातनाएं दी गई थी। गर्म सलियों से उनकी आंखें फोड़ी गई, उनकी गर्म सलियों से उनकी पूरी चमड़ी उधेड़ दी गई, जीवा काटी गई। लेकिन फिर भी 40 दिनों तक इतनी अनगिनत यातनाएं सहने के बावजूद भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। या दो छोटे साहबजादे थे जिनकी आयु केवल 7 और 9 वर्ष की थी, उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, पर फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। या बंदा सिंह बहादुर जी, उनके सामने उनके 5 वर्ष के छोटे बच्चे की हत्या करके उसके हृदय को बंदा सिंह जी के मुंह में ठूस दिया गया था, पर फिर भी बंदा सिंह जी ने धर्मांतरण नहीं किया। या फिर भगवान बिरसा मुंडा जी, वे भी आजीवन मिशनरीज के विरुद्ध लड़ते रहे। आखिर ब्रिटिशों ने उन्हें जहर देकर मार दिया। उनके हजारों हजारों अनुयायियों को गोलियों से ब्रिटिशों ने भून दिया था। या संत रविदास जी, उन्हें जब धर्मांतरण के लिए जबरदस्ती की गई तो संत रविदास जी ने कहा था कि वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाहे गोदो अंग कटार, मेरे शरीर के तुम तिल तिल टुकड़े कर दोगे तो भी मैं ये वेद धर्म नहीं छोड़ूंगा। या गोवा इंक्विजिशन का तो मैंने आपको उदाहरण दिया ही, कैसे वहां पर अनगिनत हिंदुओं को जिंदा जलाया गया था, क्योंकि उन्होंने बस कन्वर्ट होने से मना कर दिया था। ऐसे इस धरती के लाखों लाखों देवी देवताओं ने अपना बलिदान दिया है, महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाकर हमारे इस सनातन वैदिक संस्कृति की रक्षा हो पाई है, इतने सारे आक्रमणों के बावजूद भी। दोस्तों, अभी मैंने जितने भी महापुरुषों के बारे में बताया, उन सभी को धर्मांतरण के लिए इतनी ज्यादा अनगिनत यातनाएं क्यों दी गई थी, आपको पता है? क्योंकि अगर वे धर्मांतरण कर लेते तो उनके पीछे जो उनके लाखों लाखों अनुयायी है वे भी धर्मांतरण कर लेते। धर्मांतरण करना और ज्यादा उनके लिए आसान हो जाता, और इसी वजह से उन्हें समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। दोस्तों, गर्व करिए कि दुनिया की इतनी महान सभ्यता में हमारा जन्म हुआ है। इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व में दूसरी कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जो अपना अस्तित्व बचा पाई है। इतनी महान सभ्यता में हमारा जन्म हुआ है। स्वतंत्रता से पहले तो धर्मांतरण का देश में खुलकर विरोध होता था, पर स्वतंत्रता के बाद में फॉरेन फंडिंग से बहुत ज़्यादा तेज़ी से आज धर्मांतरण हो रहा है। और कुछ ऐसे लोगों का शासन देश पर रहा जिन्होंने धर्मांतरण का विरोध करना तो छोड़िए, उल्टा धर्मांतरण के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया। नॉर्थ ईस्ट धर्मांतरण स्वतंत्रता के समय 1947 में नागालैंड में केवल 20% ईसाई जनसंख्या थी, जो आज वहाँ पर करीब 95% हो गई है। इतना ज़्यादा कन्वर्जन पिछले कुछ दशकों में हुआ है। आज देश के 8 राज्यों में हिंदू ऑलरेडी अल्पसंख्यक हो चुके हैं। अब नॉर्थ ईस्ट को कैसे कन्वर्ट किया गया, इस पर मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ज़रूर देखिए। तो ये 8 राज्य, उनमें तो हिंदू अल्पसंख्यक है ही, पर उसके अलावा भी तमिलनाडु, केरला, या जो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, झारखंड है, इन सभी राज्यों में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से धर्मांतरण हो रहा है। केरला की अगर आप मलयालम फिल्म्स देखेंगे तो उनमें हिंदू नाम मतलब बड़ी मुश्किल से हमें देखने को मिलता है। और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे कम धर्मांतरण हुआ है ऐसा कहा जाता है। पर देखिए, वही के आंध्र प्रदेश के ही एक एमपी का एक जो एक इंटरव्यू है या डिबेट में वो एक आए थे शायद, तो उन्होंने डिबेट में एक बात कही थी। देखिए, उन एमपी का नाम है रघु रामकृष्ण राजू। उन्होंने खुद नेशनल टेलीविजन पर कहा था कि रिकॉर्ड्स के अनुसार तो जो क्रिश्चियन जनसंख्या है वो केवल 2.5% है, पर अगर रियलिटी में देखें तो आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु रीजन है, तेलुगु प्रदेश है, वहाँ पर क्रिश्चियन जनसंख्या 25% से ज़्यादा ही होगी। ये खुद वहाँ के एमपी कह रहे हैं। अभी पवन कल्याण जी जो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उन्होंने भी धर्मांतरण के विरोध में एक पूरी मुहिम छेड़ी थी, उस पर मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है पवन कल्याण जी पर। तो आंध्र प्रदेश में कितना ज़्यादा तेज़ी से धर्मांतरण हो रहा है आप देख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश सबसे कम धर्मांतरण आंध्र प्रदेश में हुआ है दक्षिण भारत में, ऐसा कहा जाता है, पर वहाँ पर भी 25% से ज़्यादा धर्मांतरण हो चुका है। और ये भी तब हो रहा है जब हमारे देश में धर्मांतरण विरोधी बहुत सारे कठोर कानून हैं।
हाँ, कोई एक सिंगल व्यक्ति, कोई पर्सनल व्यक्ति जाकर स्वेच्छा से धर्मांतरण कर सकता है, पर ढोंग से, पाखंड से, लालच से, कोई वस्तु बांटकर, कोई अनाज वगैरह बांटकर, या किसी भी प्रकार से प्रलोभन देकर, पैसे देकर, या सामूहिक रूप से इस प्रकार से धर्मांतरण नहीं हो सकता। पर फिर भी आज भी देश में अनेकों अनेकों जगहों पर इस प्रकार से धर्मांतरण होता है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, देखिए भारत की आज की सबसे बड़ी समस्या, उसमें मैंने एक जो मिशनरी है या पादरी है उनका एक वीडियो मैंने दिखाया था। देखिए वे खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने सैकड़ों सैकड़ों ऐसे क्राइस्ट विलेज बनाए हैं जहाँ पर जाकर वे खुद हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं उनको पैरों से लात मार कर उस गाँव से बाहर निकाल देते हैं, पूरे गाँव को फिर वो कन्वर्ट कर देते हैं। ये बातें वो खुद कह रहे हैं, और ये केवल ऐसे एक व्यक्ति है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने सैकड़ों ऐसे विलेजेस बनाए हैं, और ऐसे अन कई सारे सैकड़ों सैकड़ों और ऐसे कई सारे मिशनरीज हैं, हजारों हजारों ऐसे मिशनरीज हैं जो आज देश में कन्वर्जन कर रहे हैं। 1956 में नियोगी कमेटी द्वारा पब्लिश की गई एक रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए, सरकार के द्वारा ही इस कमेटी का गठन किया गया था धर्मांतरण की समस्या को जाँचने के लिए। तो उन्होंने 1956 में कहा था जो कितना भयानक तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, कैसे कैसे प्रलोभन देकर धर्मांतरण हो रहा है, ये उस समय उन्होंने कहा था 1956 में, और अभी तो और भी ज़्यादा तेजी से ये धर्मांतरण हो रहा है। देखिए दोस्तों, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति सभी का सम्मान करना सिखाती है, हम सभी का सम्मान करते हैं, जिसे जिस मान्यता का, जिस मत पंथ संप्रदाय का पालन करना है वो खुशी खुशी कर सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इस प्रकार से जो गरीब मासूमों को आदिवासी क्षेत्रों में इस प्रकार से नक्सलियों का सहारा लेकर या ढोंग से, पाखंड, किसी भी प्रकार से प्रलोभन वगैरह देकर जो धर्मांतरण फॉरेन फंडिंग से हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। 2015-16 में मोदी सरकार ने ऐसे 20,000 एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल किया था जो धर्मांतरण में और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, 20,000। तो सोचिए कितना व्यापक रूप में धर्मांतरण हो रहा है। वैसे वो एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल करने से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि पैसे लाने के, फॉरेन से फंडिंग लाने के और भी कई सारे तरीके हैं, तो इस पर और बहुत ज़्यादा कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, एंटी कन्वर्जन लॉ को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगोरा ऐतिहासिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण फिल्म है ही, पर साथ में ही टेक्निकली भी ये फिल्म एक्सट्रीमली वेल मेड है, पर सच्चे इतिहास से ज़्यादा किसी को कोई मतलब है नहीं, इसलिए इस फिल्म को कहीं पर भी किसी के भी द्वारा ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है। मैं अगोरा को दूंगा 10 out of 10 stars। प्लीज़ आप इस वीडियो को, इस फिल्म को आप ज़रूर देखिए। ये फिल्म एक एयरटेल एक्सट्रीम पर और हंगामा प्ले पर फ्री में अवेलेबल है, कोई भी जाकर वहाँ पर देख सकता है, पर वो कट किया हुआ वर्जन है, जो न्यूडिटी वाले सीन है या जो वायलेंस वाले सीन है उन सबको उसमें कट कर दिया है। मैंने पहले तो एयरटेल एक्सट्रीम पर ही उस फिल्म को देखा था, पर बाद में मैंने देखा कि यार इसमें तो बहुत कुछ सारे सीन्स कट किए हुए हैं। तो उसके बाद में मैंने गूगल पर और सर्च किया इस फिल्म को, तो मुझे डेली मोशन पर भी ये फिल्म नज़र आई, तो वहाँ पर इसका पूरा अनरेटेड अनकट वर्जन डेली मोशन पर आपको मतलब मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा पर मिल जाएगा, वहाँ पर ये पूरी फिल्म अवेलेबल है। तो पैरेंटल गाइडेंस की बात तो आपको समझ ही गए होंगे कि इसमें अगर आप अनकट वर्जन देखते हैं तो उसमें न्यूडिटी भी है, वायलेंस भी है ढेर सारा। तो अगर परिवार के साथ में देखना है तो आप एयरटेल एक्सट्रीम पर जो इसका अगोरा का वर्जन अवेलेबल है वो आराम से आप देख सकते हैं, और ज़रूर देखिए, मैं कहूँगा आपको। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।